अच्छा देखो वो तो चीजें मैटर करती ही है, 5-10% 20%, तो उसके लिए टेक्निक बता ही रहा हूँ कि कैसे उसको अपील करना, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। और कुछ चीजें बाई नेचुरल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कट हो जाएंगे मार्क्स, मैथ्स में नहीं कट होंगे, इंग्लिश में कम कट होंगे, ये सब चीजें हैं। खैर चलिए, तो इसमें अपने को क्या करना है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो देख लेते हैं, उसके बाद विल शिफ्ट टू करंट अफेयर्स वाला पार्ट, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आत्मनिर्भर भारत, देखो सबसे पहले तो लिंकेज समझो, क्वेश्चन को पूछा क्यों गया है, पहले तो ये जानने की जरूरत है, क्वेश्चन को पूछा गया है इसके वजह से, है ना। COVID-19, देखो इसको तोड़ रहा हूं मैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे हमको लिखना है, बेसिक फीचर ऑफ और प्रोविजंस, ये स्टेट फॉरवर्ड सवाल है, इसलिए स्कीम्स को पढ़ना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा इसको इसी पे करेंगे, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया मतलब समझ में क्या, COVID-19 ने इंडिया को कैसे हर्ट किया, जब इसको हर्ट किया तो सरकार ने इसको क्यों लाया, समझ में। COVID-19 ने हर एक देश को अलग अलग तरीके से हर्ट किया। अब ये स्कीम यूएस में चला पाएंगे क्या, वहां पे तो लोग मरे ही है, चला पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पॉवर्टी, माल नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इस पे है, तो इसको ब्रॉड लेवल पे सोचो तब जाके इसका आंसर लिख पाओ। इस वाले पार्ट का तो इजी है, स्कीम्स पढ़ना होगा तुमको, कुछ इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कौन बताएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है बट इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे इंटरेस्टिंग इसका इंट्रोडक्शन ही होने वाला है। बोलो, जब बोलता हूं बोलो तो एक ही क्यों बोलते हो, और बोलो ना, क्या हुआ इंट्रोडक्शन में, यू ज्वाइन लेट, ओके I was attending this online. Okay, go on. So, after the Bubonic Plague of 1800, the worst pandemic spread which affected the whole world was COVID-19. What is the correct perspective? Or koi? Aage se koi? Kuch bhi bolo. COVID-19 महामारी के फैलाव के बाद सरकार को महसूस हुए कि लोगों का रोजगार चला गया, इसके कारण आत्मनिर्भर भारत देखो मोर ऑर लेस ऐसा ही होगा। हमें क्या बताना है, हमें तो ये बताना है कि पहले ही कंडीशन बहुत खराब थी, अभी भी कंडीशन खराब ही है, प्री पेंडेमिक की बात कर रहा हूं। सो द क्रॉनिक सिचुएशन दैट वाज परसिस्टेंट इन द कंट्री, ठीक है, उसको और क्रॉनिक और बना दिया गया इसके द्वारा, कोविड के द्वारा। तो हमें ये मेंशन करना है कि पहले से है, क्यों मेंशन करना है बाद में बताऊंगा, कि पहले से है, इसको और क्रोनिक कर दिया गया कोविड के द्वारा। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है, पॉवर्टी, माल नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजों को और ज्यादा क्लियरिंग कर दिया गया, कर दिया COVID-19 में। उसके बाद फ्यू डाटा, देखो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का डाटा, IMF का डाटा, कुछ कुछ डाटा कोविड के समय में खूब डाटा है, इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोग को अनएम्प्लॉयमेंट चला गया, राइट, इतने डाटा बहुत सारे आए थे कोविड में। तो उस समय ये एक्सपेक्ट करता है बीपीएससी कि आप लोग कुछ तो पढ़े होंगे इस मामले में, तो ये डाटा फिर यहाँ डालोगे जस्टिफाई करने के लिए इस स्टेटमेंट को, ये इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ बॉडी जैसा होगा, सॉलिड इंट्रोडक्शन होगा इसका, क्योंकि 3-4 फीचर्स को एक ही इंट्रोडक्शन में डालना है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये सब डाटा डालोगे, फिर अब देखो यहीं पे ट्रिक है, ये जो मैं बता रहा था क्रोनिक, यहाँ पे तुम मेंशन करना, ये जो स्कीम देख रहे हो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका प्रिकर्सर किसको बोलेंगे,
थोड़ा ठीक हूँ, हाँ मनरेगा। कैसे ऐसे रात में अचानक, रात में थोड़ी मोदी जी को कॉन्सेप्ट याद आ गया कि प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना लॉन्च कर। इसके लिए बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को पॉलिसी पैरामीटर्स पे डिस्कस करना होता है, तब डिसाइड करना होता है। बट कोविड टाइम में बहुत इजीली सरकार के पास ऑलरेडी काइंड ऑफ सक्सेस स्कीम था। कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? इसके पहले क्या था? गांधी जी को तब हम नहीं मानते थे ज्यादा, उसके बाद अचानक से मानने लगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सक्सेस था। ये क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि हमारे पास पहले से क्रोनिक वाला सिस्टम था, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया। जितना देखो, इतना सोच पाना मुश्किल है, बट जितना तुम ये टर्म सुने हो, कैसे सिंपल ना, यहाँ पे तुम रोज का उनको काम करा रहे हो, 400 रुपए हाथ में दे रहे हो, वो क्या जा रहा है? आटा दाल खरीद रहा है, मार्केट में यूज कर रहा है मनी को, तो जो डेली गुड्स हैं वो बिक रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ भी हुआ, काइंड ऑफ मिनिमल बोलेंगे उसको, मिनियल काइंड ऑफ, बोरा ढोना है और ये सब कर रहा है, और वो मनी 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ सरकार ऐसी थोड़ी दे देती है। आप लोग सोचते हो कि, देखते हो पेपर में कि सरकार ने 30,000 करोड़ और रिलीज कर दिया, क्यों रिलीज कर दिया? इतना आसानी से कैसे रिलीज कर दिया? स्कीम था कांग्रेस गवर्नमेंट का, आई एम टेलिंग यू अपार्ट फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस का था, मोदी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, स्टिल ही सपोर्टेड। पहले उन्होंने पहले खूब मजाक उड़ाया पार्लियामेंट में, वीडियोज दे, उसके बाद सपोर्ट किया गया पॉलिसी हेड्स को, और फिर बोले कि नहीं इसको चलने दिया। द रीजन बिहाइंड दिस वन, परचेजिंग पावर एंड देन इकोनॉमी इज बूस्टिंग। 40,000 करोड़ दिया गया, लोगों के हाथ में गया, वो फिर मार्केट में ट्रिकल डाउन हुआ, फिर वो इकोनॉमी बूस्ट हुआ। तो इसलिए मनरेगा सेम कॉन्सेप्ट यहां लाया गया। देखो भाई, सरकार ऐसे ही नहीं दे देती है तुमको। सरकार अगर तुमको 500 रुपए दे रही है तो गुस्सा समझ के दे रही है कि वो 500 रुपए ऐसे फॉर्म में देगी कि फिर आप उसको यूज करोगे, ठीक है, ताकि इकोनॉमी बूस्ट होगा। उसको फिर कहां से आएगा पैसा? इकोनॉमी इज सच ए इंटरेस्टिंग टॉपिक ना, कि उसमें सब कुछ लिंक है। कुछ भी सरकार दे रही है तो ऐसे नहीं कुछ भी कर दे रही है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग रखती है, रोजगार, इसके पीछे इकोनॉमी बूस्टिंग है, ठीक है। सरकार का रिटर्न में फंड आता है, उसके पास 500 है तो 510 मिलेगा उसको सरकार इन फ्यूचर, और दैट्स ऑब्वियस, उसको कहां से पैसे रहेंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सक्सेस था, सरकार ने ये लॉन्च कर दिया, मौका भी बढ़िया था और लोग भी त्राहिमाम किए हुए थे। और मेन पार्ट है पेनिट्रेशन, ये एकदम बेसिक स्कीम है, पेनिट्रेशन बेहतर है इसका हर एक स्टेट में। एक और चीज, कोई भी स्टेट इसको डिनाय नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स भी होता है चीजों के अंदर, कोई स्टेट इसको डिनाय नहीं कर सकता, और सरकार ने इस पे कोई रूल्स भी नहीं लगाए, ठीक है। करीब 150 दिन था या 100 दिन था, आई डोंट नो, 100 दिन था वैसे ही इसके कॉन्सेप्ट पे। और इधर मनरेगा के भी 25 दिन या 30 दिन बढ़ा दिए थे कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था कोविड को लेकर रिलीज कर देगा। तो बेसिक्स आपको बता दिया, फैक्ट्स, फैक्ट्स के बाद हम सीधे चले आएंगे बेसिक फीचर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगर इसको डिसाइफर कर पाओ, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको अगर देखो, बता रहा हूं वे ऑफ राइटिंग आंसर, आत्मनिर्भर यहाँ, भारत यहाँ, रोजगार यहाँ, इसको एक एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन कर सको तो बेहतर होगा। एक ग्राफ, जहां ग्राफ नहीं होगा वहां ग्राफ बन जाएगा, कुछ मार्क्स आ जाएंगे, 0.5, ठीक है। इसके पूरे प्रोविजंस को, बेसिक फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक और चीज, जब भी इसको एक्सप्लेन करना है इससे लिंक करते रहना थोड़ा थोड़ा, तो शंकर जी का जो होता है ना, वो मंदिर में ऊपर ड्रॉप 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 गिरते रहता है, वैसे ही इसमें करना है। इसमें से भी कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें डालते रहना कि हाँ, ये सक्सेस किया तो ये लाएंगे, ये भी सक्सेस करेगा, ऐसे करके कनेक्ट कनेक्ट करना है तुम दोनों को, ठीक है, आप सबको। उसके बाद प्रोविजंस हो गया, बेसिक फीचर्स हो गया, योजना हो गया, अब ये कैसे सक्सेस करेगा मनरेगा को लिंक करके, लास्ट में बता देना कि मनरेगा सक्सेस कर चुका है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया है, इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो विद लॉन्चिंग दिस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इट विल
help out those distressed farmers, employees, peoples who are struggling through the COVID times. Now we'll have a meaningful life. ऐसे करके word word करके end कर देना. ठीक है? कैसा लग रहा है? बहुत ऐसे ही बनाना. ऐसे मत बनाना कॉपी में. तो ये हो गया आपका आंसर. बॉडी हो गया. कंक्लूजन में क्या करना है? कंक्लूजन में खूब तारीफ करना. समझ में आया? चाहे फेल हो जाए. बता रहा हूँ. देखो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है. फिर से बोल रहा हूँ. ये क्वेश्चन पूछा इसीलिए गया है कि आप इसका पॉजिटिव्स बताओगे. ध्यान से देख लो. एग्जामिन लिखा है बट हम क्यों? अभी तो नया टॉपिक है तो हम एग्जामिन कैसे कर पाएंगे. तो हमें इसका पॉजिटिव ही बताना है. कोविड 19 में इतना बड़ा स्कीम लॉन्च किया गया, सबको पैसा दिया जा रहा है, इसका पॉजिटिव ही बताना है. तो कंक्लूजन में पॉजिटिव ही होगा. जैसे मनरेगा सक्सेस किया वैसे ही आत्मनिर्भर रोजगार भारत सक्सेस करेगा. इसके लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को दोनों को सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना होगा. ठीक है? ताकि कोविड जैसी महामारी को दूर भगाया जाए और लोगों को मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल जॉब और मीनिंगफुल वेजेस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सके. और फिर से लास्ट में न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट सक्सेस हो. और फिर एक और लाइन मोदी जी का डाल देना, सबका साथ और सबका विकास हो सके. ऐसे एनरिच करते हैं लास्ट में एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा लेने के लिए. ठीक है? तो इसलिए मोदी जी जब भी भाषण दें तो उनका दो चार वर्ड उसमें से लिख लिया करना. किसी में भी डाल सकते. मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सही बता रहा हूं. देखो ठीक है, आई थिंक अब डिस्कस हो गया, अब हम चलेंगे उस पे. बट उसके पहले कुछ रामबाण याद कर लो. कुछ रामबाण फॉर और करंट अफेयर्स और समथिंग रिलेटेड दैट. कंक्लूजन, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस. मतलब नॉट यूजिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली, है ना, और ना ही हिस्ट्री वाला. मेजरली दिस हरित भारत अंकल रोल. फैक्ट्स और सेइंग्स. सेइंग्स क्या होती है? किसी ने कहा हुआ, मेरा नहीं, महापुरुष का. बोलो महापुरुष बने को समय लगेगा. ठीक है, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? अब देखो तुमको क्या करना है. तुम जैसे मैं कुछ एग्जांपल से दे रहा हूं फिर यहां लिंक करूंगा. एम्प्लॉयमेंट लगा दो, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट. अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री ग्रोथ, इक्वालिटी, हेल्थ, हेल्थ केयर, वीमेन, मार्जिनलाइज सेक्शन, ये आपके टॉप एग्जाम उसमें भी है, सिलेबस में भी, एससी एसटी अभी ऐसे ऐसे कर. हाँ, और नियम और नाम लो. विमेन चिल्ड्रन हो गया, सीजन सीजन इसमें आएगा. ओल्ड एज, भैया एक ही होता है सीनियर. और कुछ टॉपिक्स नाम बताओ. एनवायरमेंट, गुड. व्हाट्स योर नेम? और माल मैनेजमेंट, एसडीजी, स्किल डेवलपमेंट, वेरी गुड. स्किल डेवलपमेंट, यूथ, बिहार को सोच कर बोलो तो और याद आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले उसको यही दिखा. कहाँ देगा? गूगल किया. बिहार को याद करके चलो डेमोक्रेटिक रिव्यू. चलो हो गया मोरलेस. लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी याद है तो अच्छी बात. हरित भारत सेंट्रल का क्वेश्चन आप क्या बोलते हो? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है.
और मैं एक आर्ट में कॉपी देने का था, उसमें एक इंसान ने पूछा था कि एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे कि इंडिया में 61% फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें रिमार्क्स दे दिए थे, जो पेपर चेक हुआ था रिमार्क्स दे दिया था, इसलिए गए था 5 मार्क्स में था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्टिव चीजें तुमको लास्ट में डिस्कस कर देंगे, अभी इस पर फोकस करो, बता देंगे क्या करना है। ये सारे टॉपिक्स है ना, अब इसका बॉडी और कंक्लूजन की बात बता रहा हूँ, किसी भी सवाल के बॉडी और कंक्लूजन में तुमको रेडी टू ईट, रेडी टू ईट समझते हो क्या होता है, क्या होता है, लाइक लेज चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स एंड ऑल, उस तरह से इसको बना के रखना है आपको, नोटबुक बना लेना, रोज एक घंटा टाइम इस पे देना, लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, इससे अच्छा इंडिया यूरोप का रिलेशन पढ़ लेंगे, बिरसा मूवमेंट पढ़ लेंगे, लेकिन ये समझ लो यही तुम्हारा मार्क्स स्ट्रेचिंग है। इन सारे टॉपिक्स पे मे भी 10-15 टॉपिक्स और हो, फैक्ट्स कलेक्ट करो, इनको गूगल पे डालो और रिलेटेड फैक्ट्स डाल देना, या द हिंदू डाल देना, द इंडियन एक्सप्रेस डाल देना, जैसे द हिंदू डालोगे, द इंडियन एक्सप्रेस या यूपीएससी, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, उस आर्टिकल के आने के बाद उसमें से फैक्ट्स निकालना, जैसे कोविड-19 डाल दोगे, कोविड-19 एंड बिहार, तो पता चल जाएगा कितने सरकार ने कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए इन बिटवीन में, वो तुमको यहाँ बहुत मदद करेगा। तो ये करना है एक्सरसाइज तुमको। सेम्स में भी सेम, एग्रीकल्चर, लाइक जवाहरलाल नेहरू हैड सेड, क्या सेड, क्या कहा था, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर, सब कुछ वेट कर सकता है इंडिया की इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता, वेट मतलब चेंजेस को लेकर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट्स, इन सब चीजों को लेकर। तो इस तरह के सेइंग्स को इम्पोर्टेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट पे वर्ल्ड बैंक के चीफ किसी ने कुछ बोला, IMF ने कुछ बोला, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के चेयरमैन ने कुछ बोला, या RBI के हेड ने कुछ बोला, ये सब नोट कर लेना जहां से जो मिले, समझ में आया। ये थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, बट इसको रोज एक घंटा करोगे तो मजा आएगा उस दिन जब 17 कोर्स मेन्यू सामने रहेगा। 17 कोर्स मेन्यू समझते हो, नहीं समझते हो, नहीं समझते हो, अच्छा IIM होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट एज वेल, 56 भोग, वो गणेश जी को लगता है, तुमको कहलाएगा। अच्छा तो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट तो उसमें 4 कोर्स, 17 कोर्स और 30 कोर्स, ये वही जो बोल रहा है, इसमें स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट और भी कुछ होता है, सूप स्टार्टर में आता है, लास्ट में सूप पिलाया गया, ठीक है। तो वो 4 कोर्स है, उसके 17 कोर्स मेन्यू है, ये तुम्हारा जोड़ लेना कितना कोर्स है, 8 कोर्स। उस दिन जब इसको खाना शुरू करोगे तो ये सब तुम्हारे पास रहेगा, तो भूख अच्छे से मिटेगी, समझ में आ गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलो, तुमको मोटा मोटी आइडिया, मैंने इंट्रो बताया क्या किसी का, इसका इंट्रो ऐसा होगा, मैंने कहाँ डिस्कस किया, ये डिस्कस करना फिजूल है, मैंने कहा क्वेश्चन को डिसाइफर कैसे करना है और फिर इंट्रो कैसे लिखना है, वो तुमको तो मोल्ड करना ही पड़ेगा ना, आई एम नॉट फ्रेमिंग द क्वेश्चन, कोई भी टीचर या कोई भी ऑफिसर जो भी पढ़ाएगा यही बताएगा, इसीलिए मैंने बोलता हूँ ना कि मॉडल आंसर कुछ नहीं होता है, तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारा आंसर कैसा होगा, 30 लोग हैं तो 10 मॉडल आंसर हो सकते हैं, 10 मॉडल हो सकते हैं, ठीक है, कोई एक नहीं होगा कि मैं जो लिखूंगा मेरा लिखा हुआ मॉडल होगा, सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा ये हरित भारत संकल्प क्या बोलो, फिर से बोलो जरा, RTI में क्या था देखो इसमें मौखिक मैं बता देता हूँ, अब तो RTI से कुछ चीजें सामने आ गई हैं तो डिस्कस करना जानना जरूरी है,
बट इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक ऐसा नहीं है कि वो जो लिखा फिजूल लिखा, फालतू लिखा, कभी कभी एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो शायद वो नहीं काट पाता अगर जनरल क्वेश्चन होता तो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टीचर्स को भी तो समझ में नहीं आते, टीचर्स को और तो प्रोफेसर होते हैं जनरली, यूपीएससी के थोड़े से ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, बेहतर क्वालिफाइड होते हैं, ज्यादा नहीं थोड़े बेहतर क्वालिफाइड होते हैं। बीपीएससी में ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि उनको ये क्वेश्चन के बारे में पता भी नहीं होगा। तुम जैसे बता रहे हो, आई एम नॉट वेंट थ्रू दिस ऑल स्टफ जो तुम बता रहे हो, बट अगर उसने ऐसा लिखा है तो गलत नहीं लिखा। संकल्प वाला जो था वो ऐप, उस ऐप के बारे में लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशनड है वो, तो उसके बारे में लिखेंगे। बट उसमें दो की टर्म्स है, तीन, जो मैंने इन लोगों को भी बताया, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजी। कोई क्या लिखेगा? हाँ, पूरी तरह से तुम इंडिया पे फोकस नहीं करोगे बिकॉज क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट हैज बिकम अ वाइडर टॉपिक, अ ग्लोबल टॉपिक, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट से लेकर जितने कॉप 24, 26, 28 जो भी हो रहा है, इंडिया इतना सारा इनिशिएटिव ले रहा है, सोलर पैनल, इन सबको लिंक करके तब वहां लिखना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा। एक ही डायरेक्शन में क्यों लिखोगे कि 21% 33% होना चाहिए, 21% है, उसको कैसे इंकरेज करें? केवल ट्री कंजर्वेशन पे थोड़ी जाएंगे हम, और भी बहुत कुछ है ना, ठीक है। तो अब 5 नंबर दिया तो उसके ऊपर है कितना नंबर देता है, लेकिन जब अनकन्वेंशनल सवाल आएंगे तो तुम डाउट में रहोगे कि वो कितना देगा। तुम भी कंफर्म नहीं हो सकते अपने पर कि मैंने जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं, बट मैं क्रक्स बता रहा हूँ कि कैसे 2-3 की पॉइंट्स को पकड़ के तुम वाइडर चीज में लिखा। देखो इन्वायरमेंट आज के समय में सब कोई डिस्कस कर रहा है, बहुत ग्लोबल जा चुका है वो, पूरी तरह से ग्लोबल जा चुका है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इंडिया गवर्नमेंट ले रही है विद कनेक्टिंग विद यूएन एंड ऑल, और यूएन भी ले रही है कमिंग टू इंडिया। तो इसको बहुत ब्रॉड लिखना पड़ेगा, और लास्ट में फिर 6-7 लाइन उस पर तो लिखना ही पड़ेगा जो हरित भारत ऐप जो भी है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए, आई होप कि आप लोग नोट करोगे। अगर मैं इसके और उन्हीं टॉपिक का नाम लूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि बताइए सर कौन कौन सा क्या है। वैसे मैं जो बताऊंगा वो ब्रह्मा जी की लकीर से नहीं होगा, बट मेरा यही तरीका था प्रिपेयर करने का। मैं बता देता, मेरा तरीका ये था कि सब्जेक्ट का नाम नोट कर लिया, ऊपर 2 A4 ले लिया, साथ में रख लिया, उसके बाद पॉलिटी से रिलेटेड या जो भी थे पॉलिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका पहले लिस्ट बनाया। बीपीएससी को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है मेंस, अदरवाइज लक्ष्मीकांत खोलोगे पागल हो जाओगे 2 महीने कि करना क्या, ऐसा भी इम्पोर्टेंट ही लगे। तो क्या कह रहे हो, GS2 ठीक है, तो इसीलिए सबके लिस्टिंग कर लीजिए मैंने और उसके बाद डिस्कस किया था। ये मैं स्टैटिक की बात बता रहा हूँ और सेम गोज विद करंट अफेयर्स एज वेल। न्यूज़पेपर कौन कौन लोग पढ़े हैं आज, अभी पता चल जाएगा। तो समय नहीं मिला होगा, 8:45 में उठा होगा, आंख उठ धोके चलाए होंगे, रात भर पढ़ा होगा, है ना। विल यू गिव दिस एक्सक्यूज टू बीपीएससी? नो, बाहर हो जाओगे। बहुत सारे लोग, अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था तुम्हारा जुडिशियल सर्विस का, तो उसमें शी वॉज लाइक प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब इवन आई वॉज प्रिविलेज कि आई एम टेकिंग इंटरव्यू ऑफ हर, लास्ट में पता चला। बट शी वॉज ग्रिल्ड टू बैडली कि फोन करके बोला उसने कि, उन्होंने बोला कि सर आप कैसे ही सब सवाल पूछ लेते हैं, नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ। करंट अफेयर वो न्यूज पेपर कुछ नहीं पढ़ा। न्यूज पेपर एक ऐसा डायनेमिक्स है कि रेडी टू ईट उसमें मिलते रहेगा। अगर तुम कुछ नहीं जानते हो फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो 1 घंटा देके, तो कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा घुस जाएगा कि उसको रिजल्ट एग्जाम के दिन डाल दिया तो कुछ ना कुछ मार्क्स बिल्कुल मिल जाना है। किसी का सीइंग्स, आरबीआई के चेयरमैन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मोदी साहब कहीं गए तो कुछ ना कुछ बोल दिए, सबका साथ सबका विकास सबका विज्ञान जैसे कुछ भी बोल दिए। जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था तो उन्होंने एक बार डॉक्टर्स की मीटिंग में जाके बोल दिया था मेडिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ केयर में इसको डाल दो। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन साइंस कांग्रेस में बोल के आ गए, डाल दो हेल्थ, कुछ तो मिला, नोट कर लो। न्यूज़पेपर पढ़ो यार, मैं सबको बोलता हूँ, चाहे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स में ज्यादा उतना जरूरी है
लेकिन मैगजीन से भी हो जाएगा, लेकिन मेंस न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हो या तो जो छोड़ा है वो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम नहीं बोलेंगे भी बनाओ तो भी नहीं बनाएगा। सर उसके नोट्स बनाना है क्या सर? कोई नहीं पढ़ता क्या न्यूज़पेपर? कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर? जरा हाथ उठाओ। रेगुलर यहाँ शिफ्ट हुए मतलब प्रेमाइस में पटना, पहले दिल्ली में पढ़ते थे घर से, तो पटना में तो अवेलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है, तो छूट कैसे गया? 5-6 दिनों से छूटा हुआ है। कंटिन्यूटी में कोई पढ़ा है इसमें इतने लोगों में से? पढ़ो न्यूज़पेपर, ये एक्सक्यूज है। तुम आपने जो बोला वो एक्सक्यूज है, आई विल टेक इट एज एक्सक्यूज, डेफिनेटली टेक इट। कुछ पढ़ता नहीं है इसमें, हमें प्रिंट थोड़ी करना है, पढ़ा हुआ है 4 रुपए का खरीद के ले आना है या लगवा लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज, मोटर यहाँ निरीक्षक और पता ना क्या क्या इंटरव्यू मैंने लिया अभी पिछले कुछ 2-3 महीने में, सब लोगों का यही हाल। अभी तो वो बोल दिया कि सर सो के लिए उठते हैं, ऐसा मैंने बोला। फिर वो कोई मुकेश जी या कोई कन्वेन कर रहा था, मैं कहा इसको हटाइए, कभी देखो दो चीज है यार, कभी कभी जब कभी कभी पढ़ते हो तो फिर कभी कभी सिलेक्ट हो जाना, 68वीं, 79वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, इसमें से कभी कभी सिलेक्ट होना, ये करना है क्या अपने? अपने को इसी में चाहिए ना, इसी में चाहने के लिए वो करना पड़ेगा जो यहाँ, अगर यहाँ 5% को निकलना है तो 95% जो नहीं कर रहा है वही तो करना, उसके खिलाफ ही तो करना पड़ेगा। 95% नहीं पढ़ रहे हैं तो 5% को पढ़ना पड़ेगा, दैट यू कैन डिसाइड कौन सा वो 5 होगा या 95 होगा। सो न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश वाले अगर कोई बच्चे हैं, इंग्लिश में तो होंगे ही बहुत सारे लोग, द हिंदू, एक्सप्रेस, this is for national and international, same goes for hindi one, jansatta, I know jansatta nahi milega yahan, wo mushkil hai thoda, kisi ka brand hai, to hum apan dainik bhaskar aur dainik jagran national edition. Now newspaper part 2, bihar, aur ab se ek nahi padha ja raha hai, aap do bata rahe, to नेशनल और इसमें दोनों के लिए सेम है, इंग्लिश वालों को हिंदी भी पढ़ना होगा बिहार कॉन्सेप्ट्स के लिए, सेम यही चीज है, बट संस्करण बदल जाएगा पटना एडिशन, और पढ़ना तो पटना ही पढ़ना, वो मच्छर मर गया, मर गई, डेंगू आ गया और दो लोग रोड से टकरा गए, वही सब आएगा, वो बागन सिंह में छपरा होगा, तो पटना एडिशन ही पढ़ना, समझ में आ गया? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग, खैर चलिए ठीक है, दो चीज बताऊंगा मैं अभी, मंथ भूल जाओ, मंथ थोड़ी पढ़ना है, करंट अफेयर देखना है, दो चीज बताऊंगा, एक तो चौक वाला ही सिस्टम सही था, अभी आई यूज टू गो इन स्कूल्स ना, पंचायत इंस्पेक्शन होता है, यू गाइस अवेयर अबाउट दैट, एक आध वीडियोस भी होगी मेरी प्रेमिस, तो उसमें स्कूल्स पे जाते हैं, तो आई आल्सो टीच देयर, सब लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, मैं आधे आधे घंटे क्लास ले रहा हूँ, 7वां 8वां, तो ऐसे 3 लोग ऐसे खड़े रहते हैं, एक हाथ में पानी रहता है, एक हाथ में वो कपड़ा भिगोया हुआ रहता है, एक हाथ में सूखा कपड़ा रहता है, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो ऐसे रखा रहता है, मैं हाथ से ही सब कर रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं होता। चलो ठीक है, मूविंग ऑन, तो एक तो मेन टॉपिक होगा जो जिसमें मेन बोलूंगा वो समझ लो कि एज ए स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो एनर्जी कम हो गया क्या सत्ता? और दूसरा हो गया सब पार्ट्स, ठीक है, सब पार्ट्स मतलब कोई मेन क्वेश्चन आएगा इसको पढ़ोगे, और तीसरा हो गया एज एग्जाम्पल, देखो विजन को भी 3 तरीके से यूज करेंगे, ऐसा नहीं समझा होगा तुमने कभी ना,
पहले मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिसको नोट करना होगा कर लेगा, और जिसको नोट नहीं करना होगा ना ये भी लिख लेगा ना A1.1, 1.2, तो विजन की वेबसाइट से जाके जब डाउनलोड करेगा तो वो मार्क कर लेगा, थोड़ा आसान तरीका है। ठीक है, रेडी? दिस वन अभी मैं डिस्कस कर लूंगा क्यों। ये भी इम्पोर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें यू कैन डू दिस, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नोट कर लिया क्या? अच्छा, पर इसको इसको मार्क कर देते हैं। नोट कर लिया सभी ने? ये बड़ा डिस्कस हुआ बढ़िया पिछले 2 साल। ये अभी तक बहुत न्यूज में रह रहा है। कौन बताएगा मून लाइटनिंग? बताओ, चार्ज चमकता हो चार्ज। एम्प्लॉइज जो है आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कंडीशन जब से चालू हुआ है तब से और सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो 2-3 कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। तो गलत क्या है? गलत है सर, जैसे बिग टेक कंपनी जो बोल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो कह रही है कि हाँ तुमको ब्लेम नहीं करूंगा मैं, बोलो विप्रो के हिसाब से बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ बोलो, क्या बता रही है कंपनी, क्यों क्यों मना कर रही है करने से सर? कंपनी इसलिए मना कर रही है कि उनका लॉयलिटी नहीं रहेगा कंपनी की तरफ से, काम में शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, सही से काम नहीं कर रही है। ये भी है, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आज सबसे बड़ा कंपटीशन इसी का है। टाटा जो चीज ला रही है विप्रो जल्दी लेके ना चला, तो सुबह टाटा में सीख रहा है, शाम को विप्रो में उसी चीज को यूज कर रहा है। कंपनियां विप्रो हो सकता है उसको लेवर भी कर रही है और ज्यादा सैलरी से हो जाए, तो वो फ्यूचर के लिए खराब है। हो गया जल्दी, 8 महीने है, कैसे खत्म हो गया? फटाफट करो, वापस करने जाना पड़ेगा। क्या? हाँ वही नीचे, इसको हटाओ ना तुम। हो गया सबका? अच्छा आसपास से देख के कर लेना। यार बताना है ना कुछ भी सुझाए दो, सही है ना फिलहाल? Thank you.
कौन सा ठीक है ये अभी फ्रेश कर रहा हूं मैं कंपटीशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड कोई नोट कर रहा है क्या इसको कोई नोट कर रहा है हाँ वही सेम है क्या बड़ा करना है यही खुला हुआ है यार उसको नीचे वाला है वही है ना दिख रहा है कि बड़ा करूं मैनुअल स्कैवेंजिंग ठीक है डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं फटाफट इसे बहुत टाइम लग जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग मार्क कर लो सारे फटाफट राइट टू हेल्थ विमेन साइंटिस्ट 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन कोई एक आदमी लिख रहा है कि नहीं ताकि मैं बाद में उसको रिव्यू कर सकूं कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है कोई लिख रहा है ना अभी केवल टॉपिक नोट करो फटाफट 5G स्पेक्ट्रम बस इसमें इतना ही है कहां से पूछा ठीक है अपडेटेड एनडीसी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन बिल इथेनॉल ब्लेंडिंग पहला इथेनॉल अमेरिका में पूरा क्वेश्चन सुना नहीं पता मुझे भी खैर मैं जाकर सुन आगे अर्थ गंगा रामसर साइट्स नहीं रामसर साइट छोड़ देना याद तो होगा ही दो चार भी याद होगा तो कर लेंगे अब वो याद कर लेना प्रीम्स में याद किया ही होगा CDRI पढ़ लेना हर घर जल ओजोन लेयर दिस पार्ट डन ना इस तरीके से तो बहुत कंफ्यूजन होते जा रहा है मेरे मिक्सअप हो रहा है क्या मिक्सअप हो रहा है हिंदी मीडियम सर तो मैं नोट भी नहीं कर पा रही तो अगस्त है तो हाउ विल यू नोट डाउन कि कौन सा इंपॉर्टेंट है अगर मंथ बता भी दिया तो कैसे नोट डाउन करोगे या कैसे समझोगे वो सेम है क्यों नहीं किया फिर मैं तो दो दिन से अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ कि मैं ये चीज लूंगा तो अभी नोट लिख लो दो घंटे से तो मैं हूँ यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी एम्प्टिव राइट रोज क्लास लेने ना आऊंगा मैं तो शुड आई टेक दिस नेम्स दिस वर्ड्स 8.21 8.2 ठीक है ओके ओजोन हाँ द
दिस 9.2 दिस एज वेल 10.1 10.2 ऑगस्ट डन। आज बगल वाले से कर लो, इसी में था क्या सारा ऑगस्ट को भी लिखा हुआ है। आप स्कॉल करते रहिए, मैं कुछ टॉपिक बोल रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा अदरवाइज। ओके 1.1 यार मन से क्या करना है, जुलाई में तो पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में, नंबरिंग लिख लीजिए। ठीक है जुलाई में, चलो जुलाई में 1.1। ठीक है मॉडल टेनेंसी एट नाइन, ओके 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पवेड का अगर कोई है या पॉलिटिकल साइंस का है तो भी। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद विल मूव अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में। अरे अब उतना चलेंगे क्या, जीएस की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी तब तो तुम बैठ ही जाएंगे ना, सब इम्पोर्टेंट है। इंडिया इजराइल जिसको कर लेना, यही तो आया था, यही आया था ना, सीपैक 2.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विल मूव ऑन 2.3.4 S-400 सप्लाई चेन मिनिस्टर फोरम भी इंपॉर्टेंट है एंड 2.3.6 एज वेल। नाउ मूविंग नेक्स्ट, जीएसटी ऑफ 5 years एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस, 5 साल का जीएसटी कैसा रहा अभी तक, क्या पॉजिटिव्स हुए क्या नेगेटिव्स हुए, कहाँ है हम, सक्सेस था फेलियर था, लॉन्च करना चाहिए था कि नहीं। चलिए तो दिस वन, नेक्स्ट विल मूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिजिटल इंडिया, नेक्स्ट 3.5 3.6 3.7, उसके बाद 3.10 3.11, उसके बाद 3.13.3 MSMEs। ठीक है इधर नीचे चले ऊपर चले, यस दिस वन नेक्स्ट स्किल इंडिया में इसको डालेंगे, स्किल इंडिया में कोई भी सवाल आएगा नीचे की जगह। हाँ 4-5 फिर हम आ जाएंगे 7 पे, डिजिटल इंडिया में डालेंगे इसको 8, देन वी मूव ऑन 12, देन 13। देखो 13 में बहुत सारे डाटा होंगे याद रखना, 2-4 भी याद कर लोगे ना एग्रीकल्चर का तो फिर मजा आ जाएगा। Now moving on, 0.15 millets coarse grain को लेकर, is very important,
फूड सिक्योरिटी को लेकर इट इज अ मैजिकल क्रॉस फॉर नेक्स्ट सेंचुरी और नेक्स्ट डिकेड. ओपियम मार्केट पढ़ने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा ज्यादा बड़ा तो कीजिए. भारत माला परियोजना 13.18. देन वी विल मूव 4.1, 4.3, 4.4. IPBS पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल्ड स्पीशीज को लगे एक दो फैक्ट भी याद रहेगा ना, तो यू कैन ऐड इन एनी एनवायरमेंट वाला सवाल. प्रोजेक्ट टाइगर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बिहार में वाल्मीकि नगर है, कुछ खर्च अभी मैन वर्सेस वाइल्ड हुआ था, यू गाइस रिमेंबर वाल्मीकि नगर में कुछ हुआ था ऐसा कुछ दिन पहले. शॉर्ट डेट, मैं भी गया था वहां पे, करीब 10 लोगों को मार चुका था वो बार. फाइनली द वार्डन अलाउड टू किल. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. वैसे उसके पता नहीं दैट इज राइट और रॉन्ग. 5.3 वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए. अगर इधर हो मैं बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रेन, अगर ये वाला एस्पेक्ट तुमने आंसर में डाल दिया तो डेफिनेटली एग्जामिनर विल फील कि कुछ अलग पढ़ के आया है या पढ़ी है कुछ दिनों से. तो वहाँ मार्क्स की ये वही होती है एग्जामिनर के माइंड से खेलने वाली बात, काइंड ऑफ कि चिल्ड्रेन का भी ऐसे ही एक वो था तुम्हारा क्लाइमेट रिफ्यूजी वाला पढ़ सकते. नॉर्मल रिफ्यूजी तो हमने देखा, वॉर रिफ्यूजी हमने देखा, बट क्लाइमेट रिफ्यूजी थे कि जहाँ ड्राउट हो रहा है राजस्थान वाले इलाके या फिर आपका इंडोनेशिया और ये जकार्ता वाले एरियाज जो अभी कुछ दिन बाद सम्मर्ज हो जाएंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो रिफ्यूजी तो बनेंगे, दैट दे विल बी कॉल्ड क्लाइमेट रिफ्यूजी. तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट आप डालोगे आंसर में तो इट विल फिट मार्क्स. मूविंग अहेड, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट 5.7.1 वेरी इंपॉर्टेंट. ओके देन 5.7.7 and then 12. बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत बस पढ़ लेना कि बिहार में भी आई थिंक लॉन्च हुआ है दरभंगा. जब भी इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आया जैसे एग्जाम्पल स्कूटिंग कर सकते हैं. 6.1 can expect a question. मतलब जब भी मैं कहूँ can expect a question तो ऐसा नहीं कि आ ही जाएगा, but it's very important, very very important. पूरा पढ़ लोगे education policy. देखो education policy 2020 एक ऐसा concept है कि पूरा अगर study कर लिया तो किसी भी education के सवाल में दो चार points लगे जाए. पूरा पढ़ने का मतलब important key points of 8 or 10 key points. चलिए आगे food security index important है. आत्मनिर्भर स्वनिधि स्कीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट 6.4. उसके बाद 6.5.3 स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार क्या है अभी रिप्लेसमेंट लेवल क्या है अभी 2.1 और बिहार क्या है 3.2 या 3.3 है. मोटा मोटी याद रखना कि ताकि उसमें आंसर में वो तो डाल सकें. चाइल्ड लेबर यस कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार. जब भी सोशल नॉर्म्स की बात आती है कि सोशल में बिहार कहाँ कहाँ पीछे है सोशल लाइंस पे, चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ देम. ऑलवेज यू कैन सी दैट व्हेन आई वाज इन जयपुर फॉर होटल मैनेजमेंट एवरी डे आई वाज न्यूज पेपर मेरा वहाँ पढ़ने का रहता था. तो जब भी देखता था कि चूड़ी और बैंगल फैक्ट्रीज में बिहार के 10-20 वर्कर्स वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं 18-18 आवर्स काम कराते थे और 200-300 रुपये देते थे एंड देयर फैक्ट्रीज आर टोटली डार्क. बैठ के वो लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं जबरदस्त 1880 आर्स. देन दे आर फ्रीड विद हेल्प ऑफ सम एनजीओस एंड ऑल देन बिकम्स न्यूज. फिर वो ट्रेन में भर के उनको बिहार भेज जाता था, फिर 10 दिन बाद चले जाते पेरेंट्स का पर्सन सब को मिलते. चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं. क्रिस्पर कैस 9 बहुत ओल्ड है बट ऑलवेज कुछ ना कुछ इसमें चेंज होते रहता है, तो इसको जीन एडिटिंग के लिए हम लिखेंगे. स्पेस टूरिज्म इज द मोस्ट रिसेंट और वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट जो बात भी हमने किया था उस समय उस पर.
स्पेस टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इंडियन जो गए भी थी कोई यूएस से, और नासा के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हो रही स्पेस टूरिज्म में. ओके, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में आगे बढ़िए. ड्रग्स वाला इशू कौन सी कंपनी थी? एम से कुछ नाम था, क्या इशू था उसमें मेन? उस कंपनी को इंडिया ने बैन करा हुआ था. बैन करा हुआ था मतलब रेस्ट्रिक्टेड था, वहां से एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था एज ऑफिशियल चैनल. बट फिर भी वो दवा गैम्बिया कैसे पहुंची ये नहीं पता चल पाया. अनऑफिशियल मींस से गैम्बिया कैसे पहुंचा और फिर वो बच्चों को कैसे दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश काइंड ऑफ हो सकती है. क्या है, इंडिया को डिफेंड करने का, फॉरेन कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है. तो ये सबसे बड़ा इशू हो गया है. फिलहाल पूरी तरह से उसको चुप कर दिया गया है, बट इसकी मिस्ट्री स्टोरी. बायोप्लास्टिक्स पॉप वेव, अगर ये उससे रिलेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो ही पढ़ना, इतना सोचना पड़ता है. मैंने परसों ही देखी इसलिए तुम इतना फ्रेश याद है. इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव 8.3.6 अल्कोहलिज्म इन इंडिया. ये तो भाई बिहार के लिए बहुत Yesterday only I was registered in crushing 1500 liter of this liquor. उसको ऐसे लाइन से ऐसे रोड पे बिछा के उसपे रोलर्स चलवाने पड़े 50-60-70 rounds. अरे इतने आसानी से डिस्कस करोगे इस पे? चार दिन लगेगा डिस्कशन, दो घंटा तो हम वहाँ तुम्हारा एक्साइज सुपरिटेंडेंट से बात की. यू आर लाइक 46 BPSC से फिर एंड इज वेरी डिसेंट गया. वो खुद परेशान थे. कितने पाठक हु आर नोस आईएएस नहीं पता किसी को? ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट आईएएस इन बिहार. ही वाज द टीएम ऑफ गोपालगंज माय होम टाउन फ्यू इयर्स अगो 2005-07 में. अभी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है आपके ये एक्साइज के और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट. उनसे समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कांपते हैं. वो इज लाइक सच इज टू. मैं कल वो ले रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस कर रहे थे. आई वाज आल्सो सिटिंग देयर साइड में. सो दैट अधीक्षक वाज लाइक रिप्लाइंग समथिंग टू हिम एंड देन आफ्टर स्विचिंग ऑफ दैट कि अनम्यूट करने के बाद कैसे बोला सर अच्छा बोला. तो बहुत ज्यादा उनका एक हॉश है. खैर कुछ आईएस होते हैं जरूर ज्यादा पढ़ा गया है. तो वर्स्ट पार्ट इज कि कोई इनपुट्स नहीं दे पाता ऐसे ऑफिसर्स के सामने. कुछ इनपुट्स जो आप ग्राउंड पे सोचते हो, आप रोज काम कर रहे हो ना ग्राउंड पे, तो इनपुट्स उनको कोई नहीं दे पाता. ठीक है, और वो अपने मन से चलाते हैं. जब बाहर आया क्रशिंग के लिए तो जो दरोगा थे वो बोल रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कोई बोल ही नहीं पाता उनके सामने. जस्ट अ पॉइंट. चलिए बहुत आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में. मिशन वात्सल्य पढ़ लेना. और शक्ति शायद ये ओडिशा से बोला है क्या या इसरो वाला? शक्ति को लेकर इतने सारे शायद ये वीमेन से रिलेटेड है, वीमेन एम्पावरमेंट, ये दोनों पढ़ लेना. नेक्स्ट कीजिए मुकेश जी.
हो गया होगा इधर जून देखो मधुरी से पूरी तरह से रॉन्ग कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं बोलेंगे बट रॉन्ग कॉन्सेप्ट जब जब तुम्हारा एक साइड सुपरिटेंडेंट सपोर्ट नहीं कर रहा तो व्हाट कैन यू ग्राउंड पे बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं क्योंकि उनका जो दरोगा और मैंने मेट दैट इंस्पेक्टर ही सेड कि सर हमारा हालत बहुत खराब है कोर्ट में कोर्ट डज नॉट गिव अस वैल्यू एट ऑल कुत्ते बिल्ली का ट्रीट करती है सारा पूरा मशीनरी पुलिस मशीनरी दाल पकड़ने में लग गया पूरा पुलिस सिस्टम क्राइम्स एवरीथिंग इज इन्वॉल्वड इन कैचिंग दोस पीपल एंड मिस्टर पाठक सेड कि नोडल अरेस्ट डे एक नया कॉन्सेप्ट है नोडल अरेस्ट डे उस दिन क्या होता है भाई उस दिन 1500 लोगों को अरेस्ट करते हैं कि जबरदस्त हर चौक चौराहे से 10 लोगों को पकड़ के डाल देते हैं दैट गिव्स देम पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत कुछ है आगे देखो पता चलेगा चलो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अभी आरटीआई का भी आया था आर्टिकल 3-4 दिन पहले था हिंदू में किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ऑलवेज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ वैकेंसीज बिकॉज ऑफ हेफ्टी अमाउंट ऑफ वर्क और बहुत सारा रीजन इन्फोर्समेंट को भी लेकर नहीं बहुत सारे सवाल में रहते इस जून 1.1 1.2 1.3 1.4 क्वालिटी में मतलब समझ लीजिए कि जो अभी मुझे दिख रहे हैं 4-5 पॉइंट ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक सवाल तो बनता ही है वेरी डायनेमिक बहुत जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तो हमेशा से न्यूज़ में रहा है पीआईएल यू गाइस नो एट एसपी तो पता ही है नाउ मूविंग अहेड विद इंटरनेट शटडाउंस आर्टिकल व्हिच आर्टिकल 21 That is specific, Sriya single case. वो अलग चीज हो गया. Shutdown अलग चीज हो गया. That was kind of hate speech. उन्होंने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कुछ बोल दिया था तो उनको जेल में डाल दिया तो उस पर उसको भी स्टॉप डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बट अभी भी वो न्यूज में है क्योंकि स्टिल अरेस्ट आर बींग डन ऑन दैट टाइम तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट टाइट हुई नाउ मूविंग नेक्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग्स इसको एक टर्म के साथ जोड़ सकते हैं कौन से टर्म के साथ वेरी गुड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और आजकल एक कोअर्सिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने निकाला जिसमें बहुत टसल हो गवर्नर्स और इनको लेकर गवर्नर्स एटी पार्टीज के हैं बीजेपी के गवर्नर्स बंगाल में जो हुआ अब तो बहुत बिहार में भी था और कई जगह था होता है बहुत कॉमन चीज है तो कोअर्सिव फेडरलिज्म काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट चलो आगे बढ़ते 5.5 डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट 5.7 is very important, very very important. इसको डिटेल में पढ़ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे उसको नोट क्या करें कुछ करें 5.5 पे तो ई दिखा डिजिटल इंडिया I'm also telling how to relate 1.5.7 anti-defection law हर जगह ही हो रहा है now like 1.5.5 digital india connected with 5.8 as well e-governance to rakh lena e-governance ek us examples pe batayega sabse best example pe batayega umang is one of them pragati mygov.in is one of the best example of digital government jahan wo direct मानते हैं प्राइम मिनिस्टर रेफरेंसेस मन की बात के लिए और भी हैकेथॉन्स और ये सब जो आता है उमंग इज अनदर वन एंड देन प्रगति व्हाट इज प्रगति उसके सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स इंटरेक्ट करते हैं किससे प्राइम मिनिस्टर दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिव्यू विद स्टेट्स की जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए वो अटक जाते हैं महीनों सालों तक तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इंटरेक्ट की क्यों रुका है भाई कहाँ रुका है तो ये प्रधानमंत्री मोदी का नया कॉन्सेप्ट था प्रगति विषय पर नाउ डब्ल्यूटीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट 2.1 2.2 2.3 2.3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाई दिस इज एग्जैक्टली तो एक सब पार्ट का एक्सेप्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन लिंकिंग विद इंडिया एंड ऑल इंडिया को भी नाटो का भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए ब्रिक्स 4, 5, 6,
7 में वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर एंगेजमेंट विद तालिबान हेवीली डिस्कस्ड टॉपिक कि क्या करना चाहिए बहुत कैश क्रिटिकल सिचुएशन में है करना क्या चाहिए नाउ मूविंग नेक्स्ट इंडिया और तालिबान के न्यूट्रल स्टैंड तो लेंगे बट जहां टेररिज्म और इसका एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस फॉर वीमेन और पब्लिक आएगा उस पे यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग यू आर डेमोक्रेटिकली लेड गवर्नमेंट फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस बाकी तालिबान को सपोर्ट करने का मैटर आया उस पे भी बोली कि जब लिबरल अगर तालिबान है जहां राइट्स दिए जा रहे हैं एजुकेशन हेल्थ राइट्स दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशंस हो रहे हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्टेइंग इन तालिबान को एश्योर किया जा रहा है तब हम तालिबान से आगे बढ़ सकते हैं बट ऑन द मैटर ऑफ दिस कम्युनिज्म और टेररिज्म और एट्रोसिटीज टुवर्ड्स वीमेन वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ठीक है तो बैलेंस करके तुमको लिखना पड़ेगा मेन बात ये नाउ INSTC 2.8.3 आगे कीजिए कमिंग टू इकोनॉमी अच्छा इसमें इसी किधर इकोनॉमी से शुरू कीजिए पीछे से हाँ ओके FDI 3.2, 3.3, 3.4 गिग वर्कर्स और वो एक क्या कॉन्सेप्ट था मून लाइटनिंग ये सब नया नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है इसको बस समझ लिया कीजिए दो तीन लाइन में और इसको आंसर में आप ऑर्डर की तरह यूज कर सकते हैं NPA छोड़ देना NPA की जरूरत नहीं है फिलहाल इंडियन पेमेंट सिस्टम भी देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड 3.10 इसको स्पेस टूरिज्म से लिंक करके कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है मुकेश जी ऊपर गूगल टैक्स रेट 11.11 देन नेक्स्ट 0.12 और देन 13 एज वेल डाटा मिल जाएगा इसमें बस आगे बढ़ते हैं स्पेशल 301 पता है ना सबको यूएस की रिपोर्ट है जिसमें यूएस बताती है कौन सी कंट्री सेफ है डेमोक्रेटिकली रहने लायक और नहीं रहने लायक और भी बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी में सबसे पहला अग्निपथ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है और मेरा इससे बड़ा वैसा लगाव है we met a such a horrible incident with Agnipath in Western Param Betia when that happened. Entire railway station was burned and I was there. Khair patra hum sab lage the. Chalo move on. Move on. Defense modernization is very important. CDS is one of the part. Uske niche wala uska part hi hai. CDS is one of kind of modernization itself. और अभी नए सीडीएस अपॉइंट भी हुए अभी तो वाले का नाम तो मैं भी बोल रहा हूँ स्वाइपी चौहान अच्छा जो भी चौहान अच्छा रेस्पेक्टेड चौहान है वो भी आए वो अपना पढ़ लेना जो है अभ्यास क्या है पहले देख लेना यार इसको डाउट में कर दो ऑपरेशन संकल्प 4.4.8 नाउ 5.1 इज इंपॉर्टेंट 50 इयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाओ अच्छा बेसिक आंसर एनवायरनमेंट से रिलेटेड था पीओपीस Persistent organic pollutants, एक स्पेशल नेम था dirty dozens, 12 dirty chemicals that was filtered out by countries, उसमें आपका DDT भी था ठीक है क्लाइमेट इक्विटी 5.2 देखो एनवायरमेंट में यार बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आजकल 5.3 से मैंने एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन सिंगल यूज प्लास्टिक्स बहुत सारा ड्राइव चल रहे हैं बिहार में भी बैन किया गया है जो कि हुआ नहीं है हम लोग अभी भी बैंक दो चार पोजिशन हो गए तो
ओके इको सेंसिटिव जोन्स, ये सब सब पार्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. वाटर इनसिक्योरिटी 5.6, 5.8 ज्योग्राफी में इसी में इंक्लूडेड है, उसको ज्योग्राफी से सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से भी आता है. फ्लड्स जब नॉर्थ ईस्ट का पढ़ेंगे तो बिहार का पढ़ना ही होगा. ठीक है 5.9 फॉर फैक्ट्स, फैक्ट्स मिलेंगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्विटी, वाटर, सब कुछ का फैक्ट मिलेगा इसमें. तो यहाँ से भी बहुत मदद मिलती है जो तुम लोग एक्सरसाइज मैंने बताया था करने के लिए. ओके 5.11.2 देन आगे बढ़ेगी और आगे नेक्स्ट. हाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला तो पढ़ना ही होगा, बिहार इंडिया सब में यूज है. तो 11.11 ठीक है. 11.14 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब इम्पोर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स ही मिलेंगे तो फैक्ट्स ही निकाल लेना, वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ. 0.16 CDRI, CDRI what? ड्रग रेगुलेटरी का एनवायरनमेंट में डिजास्टर रिडक्शन. चलिए अभी कुछ देर पहले ऊपर भी देखा था एक बार. ठीक है आगे बढ़ते हैं. सोशल इश्यूज में आशास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, बट फैक्ट्स कुछ ऐसे मिलेंगे जिसको आप हेल्थ में डाल सकते हो एंड यू रियली अप्रिशिएटेड. सरोगेसी रूल्स भी बहुत कंट्रोवर्शियल था, इसको भी पढ़ना. चाइल्ड मैरिज तो बिहार में पढ़ना ही होगा. ओके मूविंग नेक्स्ट, पीएम ई विद्या 6.4.4 ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर. माइग्रेशन इन इंडिया और ऊपर. ठीक है वो इधर राइट साइड पर. ओके 6.4.16 इसको फैक्ट्स के लिए दे रहा हूँ. प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस प्रोग्राम, ये सब लिंक है, ये सब चीजें को एक बार बोलता हूँ, ये सब पढ़े रहोगे तो जब भी स्टार डस्ट और ऐसा नया सवाल आते हैं तो उसमें कुछ कुछ लाइन ऐड कर लेंगे जो भी याद रहेगा. ग्रीन हाइड्रोजन अभी आई मीन विच मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी, हु इज मिराकी मियाकी ऐसे तरह कुछ. चलो ठीक है 5G वाला 7.4.1 आगे कीजिए. कल्चर में कुछ नहीं है. एथिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो एथिक्स वाला टॉपिक जब बहुत करना है तो उसमें एथिक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ना, ज्यादा नहीं यूपीएससी नहीं है. हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं ऐसे जो एक आध नंबर दे जाए. आवास योजना है, चलो हो गया ठीक है. ब्रेक लीजिएगा 5-10 मिनट का, मुझे ओके 5 मिनट. I'm going to go to the next one.
Thank you.
देखो उसमें एग्जांपल्स वाले नहीं मिलेंगे तुम, उसमें बड़े बड़े टॉपिक्स दिए होंगे। एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूँ कि एग्जांपल्स पता रहेगा तो फॉर्डर के लिए आसानी होगी। Thank you.
एक मंच बनाना है लेकिन लैपटॉप पे सिर्फ बैठा हुआ है। हां हम भेज दिए वो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है बट जब रिफॉर्म की बात आती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है कि कौन सा पार्ट सेंटर में होगा कौन सा स्टेट में होगा। 1.1 डेथ पेनल्टी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सेडिशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है ओके। इंटर स्टेट काउंसिल जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है there's a worship act already there पढ़ लिया हमने इसको छोड़ देंगे। now moving next IPF US president has launched this very important Indo-Pacific economic framework for prosperity SCO India's northeast neighbors भी important है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो 2.4.6 क्रिप्टोकरेंसी एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। ठीक है जीएसटी काउंसिल वो 5 ईयर जो जीएसटी का हुआ है ना उसको इसमें मर्ज करके कुछ बना के अपने हिसाब से कर लेंगे जस्ट फॉर बॉर्डर। देखो 2 पेज का है ये। ठीक है 2 पेज का है बट जीएसटी काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही पढ़ने हैं। थोड़ा सा दिमाग खुद से भी लगाना है। मैंने बोल दिया तो पूरा 2 पेज पढ़ने नहीं लगना है। हमें किस तरह से यूज करना है थोड़ा समझना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो एक आध एग्जाम्पल्स लास्ट में दे दूंगा। ई श्रम पोर्टल ठीक है आई एम टेकिंग द नंबर्स 3.6 ओके। उसके बाद 3.7.6 कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है बट मेंस में हम इसको इंडस्ट्री सेक्टर में लिंक कर सकते हैं और लोकल जॉब क्रिएशन से भी लिंक कर सकते हैं। इंडस्ट्री का सेटअप एट दैट लोकेशन लोकल इंप्लॉयमेंट जनरेशन से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है वैसे पता नहीं शायद मुझे बाद में बताया गया कि वहां कोई गोल्ड नहीं है दैट वाज अ फेक न्यूज बट ठीक है इसमें दिया तो पढ़ लेना एक बार जस्टिफाई कर लेना गूगल से कि सही है कि गलत है। चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है
एजुकेटर एजुकेशन के बहुत सारे डाटाज होंगे जो आपको मिल जाएंगे। मैरिटल रेप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, छोड़ दीजिएगा उसको। मैरिटल रेप यू कैन एक्सपेक्ट इन यूपीएससी, नॉट इन बीपीएससी। ओके, नाउ मूविंग इनटू हेल्थ सर्वे के कुछ रिपोर्ट्स होंगे, इसमें डाटा मिल जाएगा हेल्थ का। ठीक है, 6.4.1, देन वी विल मूव टू 6.4.4, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद वी विल मूविंग टुवर्ड्स 6.4.7, स्वच्छ भारत अभियान डाटा। तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए तो बड़ा हो जा रहा है ना। ओके, देखो जजमेंट्स कुछ होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो पाथ ब्रेकिंग होते हैं, जैसे सेक्स वर्क को उन्होंने प्रोफेशन डिसाइड डिक्लेयर किया है, तो ऐसे इसके नीटिग्रिटीज में नहीं जाना है, कोई सही किया है गलत किया, ऐसे सवाल भी नहीं आएंगे बीपीएससी में। बट सुप्रीम कोर्ट का ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट था, सो इट ब्रॉट अप अ चेंज इन सोसाइटी, ट्राइड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, और इट्स क्रिएटेड अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल, दे आर इन्वॉल्व इन दैट सेंस। ठीक है, नॉट फॉर ऑल। तो ये प्रोग्रेसिव एक वो कॉन्सेप्ट था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, या प्रोग्रेसिव गवर्नेंस। जब वो साबरीमाला वाला जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ सिंह, विशेष चंद्रचूड़, उन्होंने बोला था। खैर, ओके, GM crops 7.1 7.3, 5 generation repeat हो रहा है, देख लेना अपने हिसाब से, I'm just telling important है इसलिए। ये 7.7 दोस्त, ये तो पता नहीं चल रहा डबल हो कब रहा है, तो मुझे भी पता है जो तुम बता रहे हो। 7.1 7.3 7.7 और 7.8, somebody told this na, scientific social responsibility prime minister said, so acha main bata dega, okay, isme ye sab bakwas hai, ye sab nahi padna hai, ye dekho 7.10.5 isro, isro kyun important hai, isro mein isme kuch success hua hoga 8-10 schemes ya pslb gslb, बट हमें वो नंबर्स पे नहीं जाना, हमें उस पर देखना है कि इसरो का कौन कौन सा इनिशिएटिव सक्सेस कर रहा है। इसरो के बारे में गगनयान प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी शायद इस साल वी आर सेंडिंग दैट रोबोट्स, फ्यू ह्यूमनॉइड रोबोट्स, पहले उसको भेजेंगे, सक्सेस करेगा, फिर अगले साल हम देखेंगे कि भेजना है कि नहीं, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की प्रोग्राम, कहने को आसान है बट इट्स वेरी रिस्की, अगर स्पेस में जाके दो लोग मर गए तो इट्स लाइक तबाही वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसलिए है। इधर सब हो गया क्या? हाँ ठीक है, 3.7.13 दैट इज रिलेटेड टू स्किल इंडिया और समथिंग रिलेटेड टू दैट। ये गति शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गति शक्ति? इंफ्रास्ट्रक्चर 3 लाख करोड़ रुपीस प्रोग्राम, ठीक है, इट्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स इन कंट्री, ऐसा नहीं है कोई नया प्रोग्राम है, नहीं, रेलवे हाईवे बिल्डिंग सबको इंटीग्रेट करके अगले 10 साल में इंडिया कहाँ जाना चाहिए उसका एक कॉन्सेप्ट है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। इन्वायरमेंट में नोट कीजिए 5.1 5.2, स्मार्ट सिटीज का क्वेश्चन आया हुआ था 63rd या 4th में, तो 5.2 को यू कैन रिलेट। 5.4 वेरी इंपॉर्टेंट, कैन लिंक विथ बिहार एथेनॉल पॉलिसी एंड ऑल,
फ्यूचरिस्टिक है बहुत। पीएम कुसुम भी याद कर लीजिएगा, 5.5, 5.6 कैन बी लिंक्ड विथ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कैन बी लिंक्ड विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, टू मेनी थिंग्स, गैसिफिकेशन, नॉट अर्बन फायर। देखो अर्बन फायर अभी मैं बोल दूंगा नहीं इम्पोर्टेंट है, बट याद है ना 66 में क्या हुआ था, क्या था, कैलिफोर्नियन फायर आया था सर, और दैट वाज आल्सो रबिश। मतलब क्या पूछने का लॉजिक था आई डोंट नो, बट वो शायद फिल्टर करने के लिए दिया हुआ था। उस तरह से एक आध सवाल फिर आ सकते हैं फिल्टर करने के लिए, कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए। प्रीलिम्स में उतने नहीं हो पा रहे जितने करने चाहिए, तो मेंस में यूज किए जा रहे हैं। अर्बन फायर शायद मैं मना ही करता कनेक्टेशन, लेकिन जैसे वो पूछ दे कैलिफोर्नियन फायर के कारण क्या थे, क्यों हो रहा है, तो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो आप छोड़ दोगे वो थोड़ा सा कैचअप हो रहा है। तो अर्बन फायर देख लेना, वैसे अब आ चुका है तो नहीं है, बट हमें एक सवाल की नहीं, हमें बाकी के सात सवाल को फोकस ज्यादा करना। एक सवाल पे अब उसके चलते हम सब नहीं पढ़ने लग जाएंगे, राइट। तो जिसमें कोई नहीं पढ़ के जाएगा उसमें हम 5 नंबर भी लाए तो बेनिफिशियल है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी समय के हिसाब से। एक साल टाइम होता मेंस में तो सब पढ़ लेते, तो बोलते विजन को एक और निकालो वो भी पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, 5.9.2 ये डाटा के लिए मैं दे रहा हूं, और ट्रस्ट मी जो भी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट का है, करंट अफेयर्स का है, अगर आप डाटा से शुरू करते हो ना तो फिर बहुत अच्छे से मार्क्स मिलता है। डाटा या कोर्स, कोर्स से भी ज्यादा डाटा, रिसेंट डाटा। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में बहुत सारे से डाटा मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मदद करेगा। राजस्थान इमर्जेज एज ए सोलर हब। अब राजस्थान ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए होंगे जो पूरा देश उसको रेप्लिकेट कर सकता है, जैसे राजस्थान फेमस है आरटीआई में भी, आरटीआई के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे अच्छे लेता है राजस्थान। तो वैसे ही इसमें पढ़ोगे तो इंडिया से रिलेटेड कुछ कुछ नए थॉट्स आएंगे, सोलर से रिलेटेड या एनर्जी कंजर्वेशन से कोई भी सवाल आएगा सीधे आंख बंद के राजस्थान, राजस्थान ने ये किया, राजस्थान ने वो किया, नंबर मिल जाएगा। क्लाइमेट इमरजेंसी 5.9.11 हर सब देख रहा हूं मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स नहीं, हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईपीसी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपी लैड्स 10.1 10.2 10.3 जस्ट एज फॉर स्कीम्स पढ़ने के लिए 10.3 बस हो गया, 2-3 मिनट और बाकी है। अप्रैल ना बाहर जा रहे हैं। चलो सबसे वाइडली डिस्कस्ड 1.1 कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन पॉलिटी से, डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत डिस्कशन हो गया और इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बहुत सारा कुछ हो चुका है, ठीक है वो पढ़ लेना, और न्यूज़पेपर में बहुत आर्टिकल्स छप चुके हैं उसमें पढ़ लेना। अर्बन लोकल बॉडीज वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ इलेक्शन, दो इट इज पोस्टपोन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे लोकल एरियाज पे उसको कैसे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करें, केवल बड़े बड़े यूएन कॉन्सेप्ट ही नहीं रहते। एसडीजी को हेल्थ सेक्टर में
इंप्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट बिहार में अलग है और तेलंगाना में अलग है, इजंट इट? वहाँ हेल्थ के पैरामीटर्स अलग है, राइट? वहाँ टर्शियरी केयर को बेहतर करने की जरूरत है, हमारे यहाँ प्राइमरी ही खराब है। तो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीसी ऐसे समझो के सुनो, तो उसमें उसको इम्पोर्टेंट है वो वाला कॉन्सेप्ट। इंडियाज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑलवेज बीन इन न्यूज, सीबीआई, नारकोटिक्स एंड ऑल, और कई सारे स्टेट्स ने सीबीआई से अपना कंसेंट भी हटा लिया है, बिहार में भी हटा लिया। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सीबीआई का फंक्शनिंग, ऑटोनॉमी एंड ऑल। प्रिजन रिफॉर्म्स नहीं आएगा, यूपीएससी का है, बीपीएससी में इतना नहीं कुछ पूछेगा उतना। हाँ, 2.1, 2.2 मैंने पहले भी बताया है, उससे लिंक कर लीजिएगा। इंडिया जापान रिलेशंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर, है ना? और ये मालदीव प्रेसिडेंट 2.7.2 इंडिया आउट कैंपेन को बैन किया था उन्होंने, डिक्री बैनिंग इश्यूज डिक्री। बस आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इकोनॉमी में पॉवर्टी एस्टिमेट्स, दिस इज फॉर डाटा, ठीक है? उसके बाद ये 3.3 क्या है, 3.3 कोई नहीं बता रहा क्या, रोज खरीद रहे हो, रोज कुछ ना कुछ खरीद रहे हो वहां से, बिग बिलियन डे। ओ डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क, इसको लेके बहुत सारे सवाल जवाब भी हो रहे थे। अच्छा, कौन बताएगा मार्केट बेस्ड और इन्वेंट्री बेस्ड? फ्लिपकार्ट, अमेजन और इन्वेंट्री बेस्ड और मार्केट बेस्ड में बड़ा सा उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाने को सरकार कह रही है, क्या करते हैं वो लोग ऐसा कुछ? कुछ करते हैं ऐसा, किसी कुछ पता है? रोज तो खरीदते ही होते हैं, वो तो तुम्हारा वो हो गया डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो लोग, उस पे सवाल हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग। जैसे जियो 2 रुपए में 1 GB, 5 रुपए में 1 GB, तो एयरटेल मजबूर होकर 10 रुपए में 1 GB ले आया, दैट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग इज नॉट गुड। प्रीडेटरी प्रीडेटर मतलब क्या होता है, पर जीबी, जो दूसरे का बर्बाद करके खाए। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है उसका। वैसे ये बैंड है इंडिया में, बट फॉर पब्लिक वेलफेयर इज अलाउड है, ठीक है? तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इन्वेंट्री। और वो इन्वेंट्री होता है कि वो खुद का उसका अपना, जैसे अलीबाबा भी है, फ्लिपकार्ट में भी है। फ्लिपकार्ट में भी तुम जैसे मैंने कुछ ट्रिमर लिया था, तो फ्लिपकार्ट कंपनी का ही ट्रिमर है, राइट? और फ्लिपकार्ट ही बेच रही है उसको। मार्केट बेस्ड हो गया कि फिलिप्स का है, फिलिप्स फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म बन गया अपने खरीद के चीजों को बेचने के लिए ज्यादा। खैर, ओके, ये 3.8.14, व्हाट इज पीस क्लॉज? पीस क्लॉज क्या है, किसने नहीं सुना? क्या
प्रीलिम्स थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, मेंस, इट्स मेंस, क्या है किसी को नहीं पता पाकिस्तान से वो शांति समझौता नहीं है, ये पेट भरने वाला शांति समझौता है। WTO से लिमिट किया हुआ है ना 5%, 10%, 15%, इतना फूड का मटेरियल आप लोकली सब्सिडाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर वो कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिशन को मिनिमाइज कर देता है। बाहर से जो चावल गेहूं या प्रोसेस्ड फूड आता है हम लोकली उसको फ्री करने लगे अपने चीजों को, तो लोग हमारी चीजों कर देंगे, फिर कॉम्पिटिशन को ब्रेक किया। तो इंडिया का क्या था, इंडिया ने अपना दलील दिया, ये करीब दोहा एजेंडा से चल रहा है, करीब 15-20 साल से चल रहा है, 10-15 साल से इंडिया ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो हमें 10% वाले ब्रैकेट में डाला जाए, मोटा मोटी बता रहा हूँ, 10-15%। उसने बोला कि नहीं, तो फिर इंडिया ने बोला कि ठीक है हमें कुछ साल दिए जाए, 5-10 साल दिए जाए, उसके बाद हम उस ब्रैकेट में आ जाएंगे। तब तक के लिए उसी को पीस क्लॉज बोलते हैं, शांति का क्लॉज, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, WTO वाले कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपना कीजिए। वही इंडिया चाहता है कि इसको बढ़ाया जाए, पीस क्लॉज को और एक्सटेंड किया जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट मोटा। ठीक है चलिए, हाँ 3.8.16 नहीं छोड़ देना, 17 विमेन वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट के किसी भी सवाल में इसको पुट अप करेंगे। विमेन वाला कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं लिखता, हम लोग लिख देते हैं कि इतना इकोनॉमी है, इतना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इतने लोग अभी भी लेबर फोर्स में, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जब विमेन वाला कॉन्टेक्स्ट लेंगे, लाइक 13% या 14% रूरल इंडिया है विमेन वर्कफोर्स है। एक और टर्म है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी बहुत दिन से न्यूज में आ रहा है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 16-17 में ये टर्म यूज किया गया था, 17-18 में, कि विमेन खेतों में काम तो कर रही है बट उनको ऑनरशिप राइट्स नहीं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि और जो मर्द काम करते हैं उनको ऑनरशिप राइट्स भी है, काम और वर्क भी करते हैं और अपने नाम से लोन भी ले लेते हैं, उनको सारी फैसिलिटी चली जाती है, बट जब उसी खेत में उनकी वाइफ काम करती है तो उनके नाम से कुछ इनिशिएटिव वो खुद नहीं ले सकते जिससे उनको आसानी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी गरीब कल्याण पैकेज 3.8.18 लिंकिंग विद आत्मनिर्भर भारत कल्याण वाला स्कीम जो था, स्मार्ट सिटीज वाला भी देख लीजिएगा, बिहार बहुत पीछे है 3.8.19 है ना। और आगे बढ़ते हैं, FATF 4.2, व्हाट इज FATF? फाइनेंशियल एक्शन टास्क। वाओ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। व्हाट इज FATF? अभी एक बताओ यार, अब सब बोलो पहले। इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द कौन कौन सी दो चीजें डील करता है, ठीक है, फाइनेंसिंग टेररिज्म, नॉट फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म, जैसे फॉर अदर इलीगल मींस काउंटरफिट किया करेंसी और उस करेंसी को यूज किया हमने टेररिज्म हवाला एंड ऑल, तो पाकिस्तान है ना, इसलिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, अफ्सपा भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अफ्सपा? दे डू नॉट टेल योर फुल फॉर्म, हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, कुछ तो सबसे पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इट्स नॉट अबाउट फॉरेन वाला एलिमेंट। ठीक है, कहाँ गया, यही है। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर्स में जो इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी इज द टर्म विच इज टारगेटेड थ्रू अफ्सपा, स्पेशल पावर एक्ट है। क्यों कंट्रोवर्सी में रहता है वैसे? हटा दो, नहीं रहना चाहिए, दैट्स नॉट कंट्रोवर्सी है,
व्हाई इट इज कॉल्ड टू बता दो पावर का मिस यूज का एलिगेशन किस तरह का मिस यूज किया हुआ है इसमें पावर का जैसे पुलिस मारता हूं पुलिस जो आगे केस नहीं होगा क्या गोली तो यहां भी मार सकते हैं बिहार में लेकिन इस पे केस हो जाए वहां दे कैन शूट एनीवन आफ्टर अ वार्निंग ओपनली नो नीड ऑफ दैट क्या बोलते हैं गोली मारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए इनिशियली दी ठीक है पहला ये दूसरा वो किसी के घर में जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं ओपनली ठीक है बिना वारंट के किसी के घर में किसी वक्त घुस सकते हैं इनोम शर्मिला 18-20 ईयर्स ऑफ फास्ट 20 या 22 साल कंटिन्यूस फास्ट रखा तब भी वो नहीं हटा सके ठीक है तो देखो हटाना इज नॉट सॉल्यूशन बट इतने दिन से रखना भी नॉट सॉल्यूशन तो एक बीच का अप्रोच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने वैसे बोला है कि कोई भी इंडिविजुअल होगा अगर ऐसे करता है तो वो लॉ से आइसोलेट लॉ को आइसोलेट नहीं कर सकता उसको हम इम्प्लीकेट करेंगे बट समझ ही रहे हो गांव के किसी कोने में कुछ ऐसा हो जाता है जो रिकॉर्ड नहीं होता दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग दिस चलिए आगे बढ़ते हैं IPCC 6th assessment report, it is for data. इसमें climate change, environment, ecology और weather से related full on data मिलेगा आपको. एकदम prelims mains के लिए बहुत helpful है. This is very important. चलिए science and tech में one health 7.2. environment is6.21 DRI, Disaster Risk Index Reduction. ये 6.1, Social Security, Universal Social Security. ये नहीं. Learning Poverty, Education से related है. थोड़ा बहुत डाटा के लिए बस. Science and Tech में One Health. नहीं, ये कुछ और है. One Health मतलब होता है तुमको इंटीग्रेटेड हेल्थ एनिमल्स के हेल्थ को मेन के हेल्थ से रिलेट करते हैं जीनोटिक डिजीज जो होती है ना उसको कैसे मिनिमाइज करें इसलिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को लाया गया चलो आगे बढ़ते हैं AIM एम पढ़ लेना और RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी अगर पंचायती राज या म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा जो कि हर साल पूछता है ना शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को है यहाँ पे अच्छा मैं ही केवल तो ठीक है उसके स्वानिधि तो बता दिया है कौन सा मंथ था बोर हो रहे हो बोर हो रहे हो ना जरूरी है अब यहाँ क्या वो भी थोड़ी चल रहा है ऑब्वियसली रास्ता का इतना खिला तो रहा हूँ आओ ना मन भर गया है अभी तो शुरुआत हुआ है यूसीसी बोर हो रहे हो फिर ठीक है ऐसा एंटरटेनमेंट हो रहा था तो उसका मतलब समझ लिया यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन 1.1 1.2 1.6.1
1.6.2 एज ए एग्जाम्पल ओनली बियरिंग हिसाब बहुत न्यूज में था जल्दी कर देते हैं तो खाना भी नहीं खाया हुआ है सेम नाश्ता भी नहीं किया चलो फिर तुम कुछ करोगे तुम लोग लाइफ अच्छी बात है रशियन यूक्रेन वॉर को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से श्रीलंकन क्राइसिस 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10.3 अभी डिस्कस किया 3.3, 3.4 ठीक है 3.4, 3.6 3.8.3 WTO के किसी भी सवाल में इसको डालेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी खत्म कर लेते हैं 4.1, 5.1 अगेन इट इज फॉर डाटा आईपीसीसी का सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट ठीक है 5.3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के लिए और भी डिजास्टर मैनेजमेंट जब तुम ज्योग्राफी के आंसर लिखोगे तब अच्छा एक चीज और इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट से डायरेक्ट सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्लड व्लड हो गया है यही बाकी है थोड़ा सा चलो आगे बढ़ते हैं डिजास्टर एज अ होल मतलब बड़ा स्पेसिफिक पूछा है फिर कोविड पूछा फिर फ्लड पूछा अब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अर्थ क्वेक क्या वैसा कुछ भी या डिजास्टर एज अ होल कि बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस क्या है क्या क्या है चलो आगे बढ़ो अरे जल्दीबाजी में कुछ छूट जाए तो बता देना ये किसा छूट जाए अच्छी बात है सोशल इश्यूज में केयर इकोनॉमी व्हाट इज केयर इकोनॉमी एक लाइन में कोई बताएगा केयर इकोनॉमी एक लाइन में वो बच्चे का पालन रखे करते वो थोड़ा सा लिंकिंग है बहुत कम व्हाट इज केयर इकोनॉमी इट्स अ गुड टर्म अरे आपको पता नहीं है केयर इकोनॉमी क्या होता है हाँ अरे यार मम्मी जो तुम्हारे लिए काम करती है दैट इज नॉट पेड व्हिच इज अनपेड बट दैट इज ट्रेमेंडसली हेल्पिंग द इकोनॉमी समहाउ कुछ भी कर रहे हो जैसे जूस मंगाया वो लाके यहाँ से मुझे दे गए ही इज नॉट पेड फॉर दैट फॉर दिस स्पेसिफिक वर्क दैट्स केयर इकोनॉमी तो उसको कई बार बात आई कि इसको भी मोनेटाइज किया जाए है ना लेकिन नहीं करते हैं खैर उसके बाद आते हैं हम ये नहीं रहेगा ये 6.4.1 डाटा के लिए समर्थ 6.4.7 साइंस में नेट न्यूट्रलिटी 7.1 10.2 नेक्स्ट के लिए कौन सा है फाइव बस आवाज दे रहा है ना बस वी आर क्लोज सेकंड लास्ट पीडीएफ सर जब आंसर में डिफरेंट डायमेंशन अभी अभी इसको कर लो फिर रैंडम दो चार सवाल ले लेंगे मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊंगा ओके 1.2 1.1 as well. Criminal laws में amendments हो रहे हैं. Committee बनी हुई है.
ठीक है 1.1 1.2 3.4 छोड़ देना इस स्विफ्ट पहली बार न्यूज में कब आया था सबसे पहले जब विजय माल्या भागे थे पंजाब पीएनबी से पैसे लेके ठीक है चलिए पता नहीं यार हमको तो नहीं याद है 2014 ही होगा 3.6 3.7 अर्बन एम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च किया है जैसे मनरेगा तो रूरल के लिए हो गया तो अर्बन में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट यूज लॉन्च किया उसको लिख लो छत्तीसगढ़ सरकार से स्कीम्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेना जरूर और तुम सजेस्ट कर सकते हो कि बिहार गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ करे जब भी एम्प्लॉयमेंट का सवाल आएगा तो उसमें दोनों एस्पेक्ट दिखाना है अभी केवल गांव की बात होती है रूरल में ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है तो सजेस्ट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं किसान संपदा योजना ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग दिस वन 10.9 चलो आगे यस 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट 4.3 वेरी इंपॉर्टेंट 4.4 को तुम स्पेस टूरिज्म से कनेक्ट करना ठीक है हाउ इट इज स्पेस टूरिज्म इज आल्सो मोबिलाइजिंग वेपराइजेशन इन स्पेस चलिए आगे बढ़िए 5.1 को यू कैन यूज इट विथ प्लास्टिक पॉल्यूशन सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन सब प्रीलिम्स वाले हैं एकदम प्योर उसको नहीं करना सोशल इश्यूज में ब्रेन डेड इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं आएगा यूथनेशिया नहीं आया यूपीएससी मैनुअल स्क्रिवेंजिंग यस यू कैन नोट डाउन 6.3 6.4.2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स 4.3 राष्ट्रीय रूसा 12 ठीक है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट चंद्रयान 3 7.6 7.4 इज वेरी डेवलपिंग कॉन्सेप्ट स्टेम सेल्स का यूज करना बॉडी को रिवाइव करने में और स्पेसिफिक कुछ बॉडी के सेगमेंट्स है उसको रिवाइव करने में इसमें आ जाओ ओके इसमें तो कुछ नहीं होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस पीएम कुसुम स्कीम हो चुका है तो नाउ लास्ट दो घंटे में ही चलो फिर जनवरी आई विल सेंड इन द पेड ग्रुप्स सब लोग पेड में होना ठीक है आई विल सेंड इन पेड ग्रुप्स ठीक है अब बताइए कुछ विल एंड अप द सेशन हियर ओनली बाकी कुछ पूछना है तो गाइस कैन आस्क रैंडमली एनीथिंग रिलेटेड टू मेंस अच्छा आंसर है मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायमेंशन कितना है तो वो डायमेंशन मेंशन करने के लिए जस्ट
क्या फिर से बोलो यार, तेज बोलो। अरे कोविड नहीं है, मास्क नीचे करो, अब बोलो। तो पूछा है क्या क्वेश्चन है सर? लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। जनरली बच्चों बस इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखने से ये टर्म, बाकी सब पॉइंट्स के नेम, कॉजेज है तो कॉजेज का नाम, कॉजेज एनालिसिस है तो एनालिसिस नहीं लिखना है। अरे वो गलत प्रीलिम्स थोड़ी है, गलत है कि सही है, लेकिन वो लिखना सही नहीं है, समझ रहे हो ना? वो थोड़ा दिखाता है कि यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ, या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग दैट टीचर इज नॉट मैच्योर्ड इनफ, तो वो मत लिखो। बाकी अगर कॉजेस पूछ रहा है, कॉजेस ऑफ बिरसा रिवॉल्ट, तो यू कैन राइट डाउन कॉजेस ऑफ बिरसा रिवॉल्ट उसके नीचे, ठीक है? या सेलियंट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, यू कैन नोट डाउन कि सेलियंट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, फिर एरो एंड ऑल एंड ऑल, वो कर सकते। एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताना भूल गया तुमको आंसर राइटिंग में, बिहार का कॉन्सेप्ट है यार, कुछ लोग चले गए, यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद देम, बिहार का टच अप ऑन जरूर करना सारे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में, मतलब यार अब स्टारडस्ट लिंक में थोड़ी करोगे बिहार में, लेकिन जिसमें डूएबल है बिहार का जीएस टू में भी और जीएस वन में भी। लाइक आई वॉज टॉकिंग विथ प्राइम आईस की कोई मैनेजमेंट में थी सोनी, तो आई वॉज टेलिंग हर कि वो पूछ रही थी कि पटना कलम में, मैंने उसको एक डिफिनेशन दिया था कि पटना कलम में भी करंट अफेयर्स को कैसे यूज करते हैं, या बिहार के करंट अफेयर्स कैसे यूज करेंगे। देयर इज अ 30 मिनट्स का वीडियो राज्यसभा टीवी पे, नाउ इट्स संसद टीवी, तो उसमें देखा लास्ट में चंचल कुमार इज द प्रिजर्वर, ही आईएएस ऑफिसर, नाउ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है, तो उस समय ही वॉज लॉन्चिंग अ कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक, द थिक कलरफुल कॉफी टेबल बुक फॉर पटना कलम पेंटिंग, तो उसको तुम करंट अफेयर्स में लास्ट में कैसे डिसाइड करोगे? देख पटना कलम का तुमने खूब तारीफ किया, ऊपर भी बोला कि गोल्डन पीरियड था, अमेजिंग सारे पिक्चर्स को डिपिक्ट किया गया, जनरल लोगों को दिखाया जा रहा था, ये सब किया, लास्ट में कंक्लूजन में कौन डालोगे कि बिहार डेफिनेटली विशेज इट कुड बी रिवाइव्ड, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स उसमें लिखोगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और फॉर दैट एफर्ट्स आर बीइंग पुट इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, लाइक रिसेंटली कॉफी टेबल बुक इज बींग लॉन्च्ड, ऑल्सो फ्यू आर्टिफैक्ट्स ऑफ पटना कलम और फ्यू सीनरीज ऑफ पटना कलम इज बींग स्टोर्ड एट सर्टेन म्यूजियम्स एंड ऑल। कंक्लूजन में ही, कंक्लूजन क्या, वे वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ, कैसा लगा तुमको पूरा आंसर वो पढ़ के खत्म, कि ये होना चाहिए, हो रहा है, खत्म। सो करंट अफेयर्स को भी ये थोड़ा डीप हो गया, कैसे यूज करना है थोड़ा सोच समझ के यूज कर सकते हैं। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो कुछ आ जाता है ऐसा कि फलानी जगह ये मिला, मौर्य का तो आते रहता है, कुमरहार हो गया, ये मिला और सरकार कंजर्व कर रही है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये भी फायदा है कि हिस्ट्री में भी तुम करंट अफेयर्स जो तुम कल न्यूज़ में पढ़े हो उसको डाल के कुछ एड ऑन पॉइंट्स बना सकते हो और फिर वहां से मार्क्स फेचिंग होता है। तो बिहार का जहां कॉन्सेप्ट घुस जाए, जहां तो क्लियरली मेंशन है कि टच अपॉन द बिहार इश्यूज एज वेल, तो वहां तुमको लिखना ही है, जहां नहीं है वहां भी दो चार लाइन बिहार का ऐड करोगे ना बहुत बैलेंस तरीके से, do not show yourself कि एकदम कि हमको बोला गया है, वैसा वाला शो मत कर देना, तो बोला गया हम तो बिहार डालेंगे, अब स्टार डस्ट में इन कमिंग 50 years बिहार विल also लॉन्च समथिंग ऑन दिस, ये सब नहीं, बट मोर और लेस बिहार को टच अपन करना ताकि उसको फील आए कि बिहार से पढ़ाया ना। और कुछ बोलो, आई कैन टेक अनदर वन एंड हाफ ईयर, हाफ आवर सेशन, एक डेढ़ घंटे का सेशन और ले सकते हैं, टॉपिक की कमी है, मेंस में तो आई एम लाइक समुद्र है, मेंस ही समुद्र, प्रीलिम्स बहुत लिमिटेड है, प्रीलिम्स में मैं पढ़ा भी नहीं पाता हूँ काइंड ऑफ, नहीं लेंगे, नहीं डोंट वरी लेंगे नहीं। क्या सवाल क्या है? अच्छा तुम जैसे पूछ रहे हो ना, ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूशन वो मीटिंग लेते हैं ना तो अगर ऐसे ऐसे दो तीन लाइन बोल दिया ना बाहर कर देगा,
इतना समय नहीं होता उसके पास, और क्या क्लियरली बोलो नहीं तो बाहर जाओ। करंट टॉपिक जो रीजन में रहता है पॉलिटी का, उससे देखो लक्ष्मीकांत के भी 8-10 टॉपिक फिल्टर कर लो जो बार बार पूछता है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गया, सीबीआई, ये सब सिक्योरिटी एजेंसीज हो गया, ये सब चीज बार बार पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो गया, है ना, ये सब बार बार पूछता है। उसी में क्या करेगा ना, करंट अफेयर को थोड़ा ऐड कर देगा, ठीक है। लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ये भी स्टैटिक पॉइंट है। हाउ सुप्रीम कोर्ट दिस डेज फंक्शनिंग बाई पासिंग आउट सेवरल कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट्स, ऐसे करके बोल देगा। तो तुमको वो भी पढ़ना है और करंट से लिंक भी करना है ना। तो लक्ष्मीकांत के 10-15-20 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, उसको पढ़ लो और उसको फिर करंट अफेयर से न्यूज़पेपर से लिंक करना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर पढ़ो तो कोई पूछा था नोट्स भी बनाने, नोट्स तुम्हारे ऊपर है, मैं तो कीवर्ड्स बनाता था। देखो और कुछ और एक चीज और बता देता हूँ, कुछ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो रहा है। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत डायनेमिक है, जैसे 5G बहुत बात चल रही है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, इलेक्शन फ्रीबीज फ्री में जो बांट रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ टॉपिक्स हैं, जितने मैंने बताए उसके 20% होंगे, उसके ना नोट्स जरूर बना लेना लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मैं कह रहा हूँ बहुत हेल्प करता है नोट्स, मतलब क्या है, ईजेएमआर नहीं नोट करना होता है। इलेक्शन फ्रीबीज, इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1960 में कुछ मेंशन है तो वो बस रूल्स का नाम लिख लिया। जजमेंट ऑफ तमिलनाडु कहती है कि हाँ फ्रीबीज दे सकते हैं, या दिल्ली चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि फ्रीबीज देंगे लेकिन एजुकेशन में और हेल्थ में, तो वो सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, सोशल पैरामीटर्स को बुक कर। तो ये लाइन लिख लिया तुमने दिल्ली चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, नाम नहीं लिखना है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर सेज, ऐसे करके जब पढ़ोगे तो 5G का 2-3 पेज बन जाएगा, छोटा छोटा पेज, 2-3 पेज, फ्रीबीज के 2-3 पेज। अब कल एग्जाम है जीएस का, जीएस 1 का या 2 का, उस बुकलेट को डायरी को उठाया और एक बार पलट लिया, 10-20 टॉपिक फटाक से रिफ्रेश हो गया, जाके उगल दिया। सब में नहीं कर सकते आप, इतना टाइम नहीं है कि सब में नोट्स बनाओगे, मैंने किया था 64वीं में, समय था उस समय, लेकिन आप कुछ टॉपिक्स, एक 5G, फ्रीबीज, इन्वायरमेंट के कुछ, क्लाइमेट चेंज, ब्रॉड टॉपिक्स के बनाना कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो और कुछ कि जाना है, ठीक है, जा सकते हैं, इसको जाना है, चलो ऑल द बेस्ट, बाकी फिर समय आएगा तो विल, समझ आया कुछ है ना, चलो ठीक है गाइस।
Gracias.